स्वागत है आर्यन कॉलेज के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियोस लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस क्या होते हैं और उन पे कैसे वर्क किया जाता है, कैसे उन पे ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक सेट से ही रिलेटेड है। अगर आपने सेट नहीं पढ़ा है तो आप पहले हमारे पुराने वीडियोस लेक्चर जो कि सेट्स पे हम लोगों ने बनाए हैं वो देखें, देन आप फंक्शंस को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं। देखिए सेट्स जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर आप उन्हें ग्राफिकली अच्छे से और रिप्रेजेंट करें, एक तो हमने देखा है कि ग्राफिकली उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम के थ्रू, और एक अब हम पढ़ रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा सेट यानी दो सेट मुझे दिए जाते हैं तो हमने उनके ऑपरेशन परफॉर्म करे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन हमने एक सेट पे परफॉर्म किए थे, या एक से ज्यादा अगर सेट होते तो उन पे भी हमने परफॉर्म किए थे। लेकिन आज हम देखना चाह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा सेट्स यानी दो सेट्स या मोर देन टू सेट्स अगर हमें गिवन है तो उन सेट्स के एलिमेंट के बीच में अगर कुछ रिलेशन हो, वो एलिमेंट किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू आपस में कनेक्ट हो, तो वो रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। अगर वो फंक्शन होगा तो फंक्शन किस टाइप का होगा और उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं और कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, कोई भी फंक्शन अगर सेट्स में है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट तो है कन्फर्म। तो a और b हमने अज्यूम किया, लेट a की वैल्यू है 1 2 3 एंड b की वैल्यू हम लोगों ने ले ली है a b एंड c। ये हमने दो सेट अज्यूम किए हैं अभी अपनी मर्जी से। तो अगर फंक्शन में मुझे डिनोट करना हो कि a से b में मैंने एक फंक्शन बनाया तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं f ऑफ a टू b, कि a से b में एक फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का पहला पैटर्न है। या फिर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि f of a to b कॉलम मत लगाइए, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर f of a to b इस तरीके से भी आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि f of a comma b। ये चार अलग अलग पैटर्न है जिस तरीके से किसी दो सेट्स को आपस में अगर फंक्शन को रिलेटेड है या रिलेशन में है तो हम रिप्रेजेंट इन चार पैटर्न से कर सकते हैं। इन सभी का मीनिंग सेम है कि सेट ए जो है उसका फंक्शन सेट बी में प्रेजेंट है। अगर इसे ग्राफिकली सॉल्व किया जाए तो देखिए किसी भी सेट को फंक्शन में ड्रॉ करने का ये पैटर्न होता है, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल के लिए यू लिखेंगे, लेकिन अभी मुझे सेट ए बनाना है तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ये पूरा एक सेट ए का एरिया होता है। सेट ए में तीन एलिमेंट है, तो ये देखिए ये जो डॉट है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डॉट है वो 2 और ये जो डॉट है वो 3 है। तीन एलिमेंट है, मैंने तीनों एलिमेंट को ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद सेट बी मुझे बनाना है, तो ये मैंने सेट बी ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया है, उसमें भी तीन एलिमेंट है ए बी और सी, ये मैंने तीन एलिमेंट बना दिए। मैंने फंक्शन बनाया ए से बी में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ए से बी में फंक्शन बनाने का मतलब ये एरो कुछ इस तरीके से जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ये एरो बता रहा है कि आप ए से बी में जा रहे हैं, आप a to b में फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, इसीलिए हमने एरो इस तरीके से बनाया। अगर ये फंक्शन है तो आप यहाँ पे स्मॉल f लिखेंगे। स्मॉल f लिखने का मतलब ये शो हो गया कि अब आपने a to b में एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अगर यहाँ f नहीं लिखते तो हमें पता नहीं होता कि ये फंक्शन है या रिलेशन है, इसीलिए f लिखना कंपलसरी है। अब इस तरीके से बनाया गया कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा या कब नहीं होगा वो कैसे पता पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अगर सेट ए यानी जो भी फर्स्ट सेट है उस फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का रिलेशन या सारे एलिमेंट की प्री इमेज सेट बी में प्रेजेंट होनी चाहिए, ये कंपलसरी सारे एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सेट ए में 1 2 3 तीन डिफरेंट एलिमेंट्स है, एलिमेंट 1 2 एंड 3, तो आप देखिए 1 किसी भी रिलेशन से सेट बी के बी एलिमेंट से कनेक्ट है, क्योंकि a to b जा रहा था, एरो भी देखिए इस तरीके से बनाया है। 2 जो है किसी ना किसी रिलेशन से a से कनेक्ट है, और 3 जो है वो भी आपके पास किससे कनेक्ट है, b से कनेक्ट है। तो आप देख रहे हैं सेट b में एक एलिमेंट एम्प्टी है जिसका कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे देखना है सेट a के सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 सारे एलिमेंट रिलेटेड है सेट b में किसी ना किसी एलिमेंट से। पहली चीज तो ये सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए,
और दूसरी बात ये कि सारे एलिमेंट सिर्फ एक ही बार रिलेट होने चाहिए, सेट ए के अंदर। देखिए वन जो है उसकी इमेज सेट बी में वन टाइम है बी से, जो एलिमेंट टू है वो भी एक ही बार रिलेटेड है ए से, और जो थ्री है वो भी एक ही बार रिलेटेड है बी से। अगर अभी मैं तो अभी ये मेरे पास फंक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं थ्री को सी से भी कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, थ्री दो डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब सी के मल्टीपल रिलेशन हो जाएंगे। अगर सेट ए के किसी भी एलिमेंट का मल्टीपल रिलेशन हो जाता है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आपको अगर ये चेक करने के लिए फंक्शन है तो ये देखिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट की कनेक्टिविटी यानी रिलेशन होना चाहिए या प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, और हर एलिमेंट की एक यूनिक या फिर एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखिए वन भी एक है, टू भी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, थ्री भी एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। तो अब ये पूरा एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अगर मुझे रोस्टर फॉर्मेट में या फंक्शन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा f a to b, और देखिए फर्स्ट वो एलिमेंट्स आएंगे जो फर्स्ट सेट में होते हैं। जैसे यहां पे मैंने एरो से लिया है, 1 किससे कनेक्ट है b से, तो मैं लिखूंगा 1 कॉमा b के 1 कनेक्ट है b से, 2 कनेक्ट है a से, और 3 किससे कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है b से। तो ये रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया है आपके इस फंक्शन पर जो आपने ग्राफिकली डिजाइन किया गया है, ये ग्राफिकली आपने कोड किया उसका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन है। अगर एग्जांपल में आपको क्या होगा, ये आपको पूरा ग्राफ नहीं देगा, आपको सिर्फ सिंपल चेक दे देगा, ये रोस्टर फॉर्मेट में देगा, आपको बोलेगा चेक करके बताए कि गिवन फंक्शन या जो गिवन रिलेशन है इज अ फंक्शन और नॉट। तो जो भी रिलेशन है अगर वो फंक्शन है तो उसकी बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आप ये देखेंगे जितने भी आपके पेयर्स बने हैं ब्रैकेट में, तो ये कॉमा के पहले वाले नंबर कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर कॉमा के पहले वाले नंबर रिपीट हो जाते हैं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, और अगर कॉमा के पहले वाले नंबर रिपीट नहीं हो रहे इट मीन वो रिलेशन क्या है हमारे पास, फंक्शन है। तो अभी देखिए कॉमा के पहले 1 आ रहा है, तो और किसी भी रिलेशन में कॉमा के पहले 1 नहीं आना चाहिए, तो किसी भी रिलेशन में कॉमा के पहले 1 नहीं, कॉमा के पहले 2 है तो वो कहीं और नहीं होना चाहिए कॉमा के पहले। इसी तरीके से देखिए कोई भी कॉमा के पहले वाला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये भी हमारे पास क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये हमारे पास पैटर्न होता है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन में ही डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होती है। तो डोमेन कोडोमेन और रेंज को समझने के लिए मैंने पहले एग्जांपल लिया, सेट ए सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सेट बी सेट बी में एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एंड एफ। तो अब देखिए उनका फंक्शन मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, ये प्री डिफाइंड हमें मान लीजिए फंक्शन गिवन है, तो अब हमें डोमेन को डोमेन और इसकी रेंज बतानी है और इस फंक्शन को मुझे रोस्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए क्या होता है, सेट ए क्योंकि फंक्शन ए टू बी डिफाइन है इसीलिए फर्स्ट सेट को देखा जाएगा, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आपके पास डोमेन होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन ए इज इक्वल टू 3 एंड 4, और जितने भी एलिमेंट आपके पास सेट बी में होते हैं वो सभी आपके पास क्या होते हैं, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो इट मीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड को डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट बी के एलिमेंट्स देखिए ए बी सी डी ई एंड एफ, और वो सारे सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाने में यूज आ रहे हैं वो सारे आपके पास रेंज होते हैं लाइक बी सी एंड डी। ये तीन ही एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके पास रिलेशन बनाने में यूज आ रहे हैं, तो आपके पास सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन में बनाने में यूज आते हैं वो सारे रेंज होते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज बी सी एंड डी। एग्जाम में बहुत बार आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा इसकी डोमेन बताएं, इसका रेंज बताएं और इसका को डोमेन बताएं, लेकिन हमेशा याद रखें जब भी आपको इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो तभी वो को डोमेन पूछता है, अदरवाइज 99.9% केसेस में को डोमेन नहीं पूछी जाती है, क्योंकि को डोमेन बताना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, हर बार हर एक फंक्शन के लिए को डोमेन सेपरेट हो सकती है और उसके लिए हम लोग अलग अलग बातें भी बताते हैं, तो एक ऑथेंटिक बात हम लोग को डोमेन के लिए नहीं बता पाते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन और रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सेट्स के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं और सेकंड सेट्स के वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाने में यूज आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट आपके पास रेंज होते हैं। अब देखिए अगर मैं किसी फंक्शन को ग्राफिकल को रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट एक ऑफ वन एलिमेंट है
वो बी से रिलेटेड है और जो टू एलिमेंट है वो डी से रिलेटेड है। इसी तरीके से सेट ए का जो थ्री एलिमेंट है वो सी से कनेक्टेड है और जो फोर है वो फर्दर डी से कनेक्टेड है। तो ये इस सेट का आपके पास क्या हो चुका है, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। अब बहुत बार क्या होता है एग्जाम में ये नहीं गिवन होता, सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्म दे दी जाती है और रोस्टर फॉर्म दे देगा और आप बोल देगा कि आप इसकी डोमेन रेंज बताएं। तो देखिए डोमेन और रेंज तो बता सकते हैं, कॉमा के पहले वाले जितने भी एलिमेंट हैं, कॉमा के पहले 1 2 3 4 दे ऑल आर डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड कॉमा के बाद वाले जितने भी नंबर है लाइक बी सी एंड डी बी सी एंड डी ऑल आर द रेंज ऑफ द फंक्शन। लेकिन ये गिवन हो और अब हमें पूछे कि आप बताएं कोडोमेन क्या होगी, हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होते हैं। तो सेट बी में जो रिलेशन बनाने में यूज आया मुझे वो पता है, लेकिन वो एलिमेंट में कैसे पता करूंगा जो कि रिलेशन बनाने में यूज नहीं आए हैं। सिर्फ इसीलिए कोडोमेन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, आपके एग्जाम में अगर रोस्टर फॉर्मेट गिवन है तो आपसे डोमेन और रेंज ही मोस्टली पूछी जाएगी। और फिर भी अगर कोडोमेन पूछता है तो हम एक सिंपल सा आंसर देते हैं, रियल नंबर्स के सारे रियल नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप में किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको टाइप समझ में आएगा तो ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो आने वाले वीडियोस को देखते रहिए आर्यन कॉलेज की वीडियो लेक्चर सीरीज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे। तब तक के लिए थैंक यू सो